हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू। वी आर स्टडिंग डहलिया, ए टेक्स्ट बुक ऑफ फोर क्लास सेवन। टुडे वी विल स्टडी द चैप्टर ऑफ अटिला, फर्स्ट पार्ट। सो स्टार्ट। तो आज हम लोग क्लास सेवन इंग्लिश टेक्स्ट बुक का आंसर दिस क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में आप देख रहे हैं, हाउ डिड द पपी लुक लाइक। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक वन का आंसर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आप लोग अपने नोटबुक खोलकर अच्छी तरह से उसका अध्ययन करेंगे और हम उसका लाभ उठाएंगे। आप भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को और ध्यान से अपने इस नोटबुक में यथासंभव स्थान पर ही लिखने के प्रयास करेंगे और हम आपके साथ हैं और इसका आप लाभ उठाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पपी लुक लाइक। पिल्ला कैसा दिखता था? तो आंसर आपका है, ही हैड स्क्वायर जाओ, रेड आइज, ए पग नोज एंड ए मेस हेड। तो उसका चौकोर जबड़ा, लाल आँखें, एक चिपटी नाक और एक बड़ा सिर था। तो फिर उसको रिपीट करते हैं, हाउ डिड द पपी लुक लाइक। पिल्ला कैसा दिखता था? तो आप कहेंगे, उसका चौकोर जबड़ा, लाल आँखें, एक चिपटी नाक और एक बड़ा सिर था। ये हम अटिला पार्ट वन पेज थ्री सीसी वन का आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच नेम्स वेयर सजेस्टेड फॉर द पपी, व्हाट वाज ही फ्रेंडली नेम्ड। तो वो कहता है कि पिल्ले के लिए कौन कौन से नाम सुझाए गए, अंत में उसका क्या नाम रखा गया। पुनः देखेंगे, विच नेम्स वेयर सजेस्टेड फॉर द पपी, व्हाट वाज ही फाइनली नेम्ड। तो पिल्ले के लिए कौन कौन से नाम सुझाए गए और अंत में उसका क्या नाम रखा गया है। तो इसको देखेंगे, द सजेस्टेड नेम वेयर टाइगर, किसर, फायर, थंडर एंड अटिला, फाइनली ही वाज नेम्ड अटिला। तो सुझाए गए नाम थे टाइगर, सीजर, फायर, थंडर और अटिला, अंत में उसका नाम अटिला रखा गया। अब पुनः इसको रिपीट हम करते हैं, आप ध्यान से देखें, हाउ डिड द पपी लुक लाइक। ही हैड स्क्वायर जॉ, रेड आई, ए पग नोज एंड ए मैसिव हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेम वेयर सजेस्टेड फॉर द पपी, What was he finally named? Answer is, the suggested name were Tiger, Hisser, Fire, Thunder and Attila. Finally he was named Attila. हमें महसूस हो रहा है कि आपको ये आंसर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं और अपने नए छात्रों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस, अनुभव लिखकर, बोलकर, पढ़कर आप अपना मेमोराइज को बढ़ाइए। यही मेरी कामना है, मैं आपकी सफल होने की कामना करता हूँ। तो आप शुरू से देख सकते हैं पहला नंबर से क्या दिया गया है, आप अच्छी तरह से देखें और वीडियो को पॉज करते हुए इसको अध्ययन करेंगे कि एक अटिला और ये रंगा के दोनों के द्वारा लिखी गई ये घटना एक काल्पनिक घटना है जो कि इसका अध्ययन हम करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट का भी कॉम्प्रिहेंशन आंसर क्वेश्चन मैं आपको अवश्य दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यही मैं आपकी कामना को संतवना देता हूं और
आपके भविष्य उज्जवल की मैं कामना करता हूँ। परिश्रम करते रहें और अपने घर में रहकर ही अपना पढ़ाई जारी रखें, यही मेरी कामना है। मैं आपके साथ हूँ, हर सफल अध्ययन का मैं सुझाव आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, गुड बाय।